हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 यही सीरीज अभी चल रहा है। ये प्रश्न संख्या 5 है। देखिए, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपको सीखना है तो सीखने के लिए यदि आप सभी प्रश्नों को टच नहीं करते हैं, सभी प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं दोनों मकसद से इन प्रश्नों को हल कर रहा हूँ कि आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं या विद्यालय में पढ़ते हैं तो अक्सर शिक्षक लोग ये सब छोड़ छोड़ करके पढ़ाते हैं, बीच बीच में प्रश्नों को छोड़ देते हैं, सभी प्रश्नों को टच नहीं करते हैं, सभी प्रश्नों का हल नहीं करके देते हैं और कह देते हैं आपको कि भाई ये तो परीक्षा में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, इसको पढ़ो। अब देखिए, चूँकि हम शुरू से बता रहे हैं कि ज्योमेट्री एक सीरीज है, कड़ी है, एक कड़ी बीच में कट गया तो आपका जंजीर टूट जाएगा। ठीक इसी तरह से आप बीच में छोड़ देंगे तो आगे समझ नहीं पाएंगे आप। तो चलिए, ये प्रश्न संख्या 5 एक्सरसाइज 6.2 का दिए हुए आकृति में देखिए, एक आकृति ये दिया हुआ रहेगा, इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा कलम जहाँ पर है वहाँ देखिए, ये DE, ये DE समांतर वो क्यू ये दिया हुआ है और DF समांतर वो आर, ये दो चीज़ दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना क्या है कि EF समांतर QR, ये देखिए EF, ये स्ट्रेट लाइन, ये EF समांतर QR आपको सिद्ध करना है। देखिए थोड़ा सा बना के रखा हूँ ताकि समय कम लगे। देखिए दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है चित्रानुसार, चित्र के अनुसार दिया हुआ है क्या, DE समांतर, देखिए DE समांतर वो क्यू और DF समांतर वो आर, ये दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है EF समांतर QR। चलिए इतना हमने लिख दिया, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सीधे यहाँ से आप हल लिख दीजिए, सॉल्यूशन या हल या प्रमाण कुछ भी लिख दीजिए आप। तो देखिए त्रिभुज POQ में, आप यहाँ चित्र पर गौर करेंगे, त्रिभुज POQ में, देखिए POQ आपको समझाने के लिए मैंने चित्र को अलग से बना के रख दिया है। तो देखिए त्रिभुज POQ, बाकी चित्र पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, त्रिभुज POQ में देखिए दिया हुआ है क्या कि DE समांतर वो क्यों, DE देखिए D पहले बोले हैं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि DE समांतर क्यों वो, ये उल्टा हो गया, ये नियम नहीं है, वैसे होगा कुछ नहीं, आप बोलेंगे क्या DE समांतर वो क्यों, क्यों वो नहीं बोलना है आपको। तो ये दिया हुआ है आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा है, तीसरी भुजा वो क्यों है, तीसरी भुजा के ये समांतर दिया हुआ है, तो ये इन दोनों भुजाओं को यानी PQ और PO को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो थेल्स थ्योरम ऐसा कह रहा है, यानी थ्योरम 6.1। तो हम थेल्स थ्योरम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि PE बटे EQ, हम क्या कह सकते हैं कि PE बटे EQ, देखिए PE बटे EQ, यहाँ भी देखिए PE बटे EQ, PE इसीलिए यहाँ लिख दीजिए, चिन्ह पर भी आप इसलिए लिख सकते हैं, PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, चलिए PD बटे DO, देखिए PD बटे DO, इसको समीकरण एक बना देते हैं। अच्छा सॉरी, इसको तो मैंने पहले ही समीकरण एक बना के रख दिया है, देखिए PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, ये समीकरण एक में रख दिए हैं। इसी प्रकार ये दूसरी ओर का त्रिभुज देखिए, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में ठीक इसी तरह से हो जाएगा क्या, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, देखिए PF बटे FR बराबर PD बटे DO, इसको हटा देते हैं। चलिए आप समीकरण एक और दो से सीधे लिख देते हैं यहाँ पर हम, देखिए समीकरण एक और दो से यहाँ आप गौर कीजिए, देखिए PE बटे EQ PD बटे DO, PF बटे FR PD बटे DO, यानी दाया पक्ष में RHS में दोनों समीकरण में PD बटे DO PD बटे DO है, तो बाया पक्ष स्वतः बराबर हो जाएगा। समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं क्या कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, देखिए अब क्या आपका नतीजा निकला, परिणाम क्या निकला, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब आप गौर कीजिए, त्रिभुज PQR में जब त्रिभुज PQR में PE बटे EQ बराबर PF बटे FR हुआ तो आपने थेल्स परिमेय का विलोम पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु यदि एक ही अनुपात में हो तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी थ्योरम 6.2 से हम क्या कह सकते हैं त्रिभुज PQR में कि EF समांतर QR
ई एफ समांतर क्यू आर, ये प्रूव हो गया। ये कौन सा थ्योरम? थ्योरम यानी 6.2 परिमेय, 6.2 यानी थेल्स परिमेय का विलोम। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा, चूँकि ये त्रिभुज पी क्यू आर का, ये पी क्यू और पी आर एक ही अनुपात में विभाजित है ई तथा एफ बिंदु पर।